नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंह आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का ये वीडियो आधारित है CHSL एग्जाम 2019 पर। आप जानते हैं इसकी वैकेंसी आ चुकी है और ये बहुत ही आसान होता है। तीन चीज़ों पर आप विशेष फोकस करिए, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। तो मित्रों, इसमें डेमो के तौर पर मैं पहला वीडियो आपको दे रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। उससे पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी जानकारी के लिए आप इस पर मैसेज कर दें। कैसे एडमिशन होना है, किस तरह एडमिशन होगा, किस अकाउंट में जमा करना है, कितनी फीस है, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। आपको बताना चाहेंगे मित्रों, हम लोगों ने सिलेबस का लगभग 60% पहले से वीडियो तैयार कर रखा है, तो आप लोगों को वेट नहीं करना होगा। ठीक है दोस्तों, लोगों ने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बड़ा होता है और बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होता है, इसलिए हमने इसे तोड़कर छोटे छोटे रूप में बनाया। तो आपको बेसिक, शार्ट और एकदम शार्ट हम तीनों बताते चलेंगे। तो आइए मित्रों, पहले इसकी शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं, दो तीन चीज़ें पहले मैं आपको बता दूं जो बेसिक होती हैं। यदि मैं बात करूं चक्रवृद्धि मिश्रधन का, तो A बराबर होता है P, R प्लस A बराबर होता है P, 1 प्लस R/100T। और मित्रों, अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज तो आपका होता है P, 1 प्लस R/100T और -1। दूसरी चीज़ें आप जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन और माइनस में मूलधन। ये चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो। और दूसरा, आपका मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और धन ब्याज। तीसरा, आप इसी से निकाल सकते हैं कि मूलधन बराबर होता है मिश्रधन और ऋण ब्याज। मित्रों, ये मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको जानना चाहिए, जबकि जिस रूल से आपको पढ़ाने चल रहे हैं उसमें इसकी आवश्यकता नहीं है। आइए हम छोटे छोटे प्रश्न उठाते हैं पहले, एकदम बेसिक से। जैसे आपसे कहा गया 4,000 रुपये का 10% वार्षिक CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन कितना प्राप्त होगा। या दोस्तों, पहला तो मैंने लिख दिया कि मिश्रधन कितना प्राप्त होगा, या आपसे पूछ ले दूसरा पॉइंट कि ब्याज कितना प्राप्त होगा। अब आपसे बताना चाहेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पर आधारित होता है। अगर आप इसे करें तो मेथड पहला जो आप करते हैं, हम मिश्रधन डायरेक्ट निकाल रहे हैं। आप कहेंगे कि सर, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है पी 1 प्लस R/100T। तो मित्रों, उस अनुसार ये 4,000 और ये 1/10/100 और इसकी पावर टी मतलब टाइम, टाइम आपको दिया गया है 2 वर्ष। आप इसे हल करेंगे तो 4,000 × ये कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 11/10, 11/10। 2 बार इसलिए क्योंकि यहाँ 2 घात लगी है। आप इसे सॉल्व करिए, ये कैंसिल हुआ,
मित्रों 11 का 11 में गुणा 121 और 40 का गुणा तो 0, 4 के 4, 4 दुनाई 8 और 4 के 4 तो मिश्रधन मिलेगा 4,840 रुपया। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ब्याज की, तो अभी तो मैंने आपको बताया कि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन और माइनस मूलधन। तो दोस्तों मिश्रधन आया 4,840 माइनस 4,000, तो आपका उत्तर आया 840। क्या आपको इतना टाइम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर इतने टाइम में हम ये छोटा सा क्वेश्चन हल करेंगे तो बाकी कब करेंगे? आइए हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं, एकदम सरल, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज कभी गलत नहीं होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है एक निर्धारित समय के बाद मिलने वाला ब्याज मूलधन में कन्वर्ट हो जाए। तो आइए आपने 4,000 रुपया 10% पर दिया, तो पहले वर्ष इससे मुझे ब्याज मिलेगा 10%, अर्थात एक वर्ष में हमको ब्याज प्राप्त होगा 400 रुपया। मित्र बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी एक और बताएंगे उससे 10 सेकंड में हल हो जाएगा। 4,000 का 10%, यहां देख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो, ये 10/100 हो जाएगा, ये कैंसिल, कितना आया 400। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब मुझे दूसरे वर्ष का ब्याज चाहिए। कौन से वर्ष का? दूसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष में ये तो ब्याज देगा मुझे, तो ये मुझे कितना ब्याज देगा भाई? दूसरे वर्ष इससे मुझे फिर मिलेगा 10%, तो कितना हो जाएगा 400। अब जो ये ब्याज था ये भी मुझे ब्याज देगा, कै परसेंट? 10%। तो मित्रों 400 का 10% होता है 40 रुपया। तो दो वर्ष बाद पूछा है, दो वर्ष बाद ब्याज हुआ 4, 4, 8 और 40, तो मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया 840। ये मेरा आया CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर आपसे मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस ब्याज, मतलब मूलधन था 4,000 और 840, तो आपका आ गया 4,840। ठीक है, हम मानते हैं कि ये वाला रूल थोड़ा सही है, लेकिन अगर हम इससे भी जल्दी कर सकें तो और मजा आ जाएगा। देखिए ये जो मैंने बताया इसको करने का दूसरा मेथड था, एकदम सिंपल था। आइए हम आपको एक मेथड और बताते हैं। छमाही, तिमाही, दो महीना, चार महीना, सारे क्वेश्चन बहुत मस्त हल हो जाएंगे। एक टेबल आपको दिमाग में रखनी है दोस्तों। टेबल क्या है? पहले वर्ष का मतलब एक, अगले वर्ष का मतलब इसमें एक जोड़ दीजिए, तो एक और एक मतलब दो, और ये एक हमेशा रहेगा, तो कितना हो गया? पहले वर्ष का एक, दूसरे वर्ष का दो एक, तीसरे वर्ष का इसमें एक जोड़िए तो दो एक तीन, फिर इन दोनों को जोड़िए ये भी तीन, और फिर इकलौता बचाइए, ये कई वर्ष का हो गया तीन। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या, मैं बताता हूँ। चौथा वर्ष आ जाए तो इसमें एक जोड़िए तीन और एक क्या चार, इसका इसका योगफल छः, इसका योगफल चार और एक तो रहेगा ही। मित्रों तीन वर्ष से ज़्यादा कभी पूछा नहीं जाता, इसे दिमाग में रखिए, ये है क्या अब मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से। 4,000 का 10% होता है 400, 4,000 का 10% 400। जरा यहाँ देखें हमको कई वर्ष का चाहिए? दो वर्ष का। आइए यहाँ दो वर्ष के लिए मेरा है दो और एक,
तो इसको पहले इससे गुणा करिए, तो 400 को 2 से गुणा करेंगे तो आ गया 800 रुपया। ठीक, अभी मेरा क्या बचा, एक, तो इसका 10% निकालिए, 400 का 10% होता है 40, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एक से, तो ये एक से गुणा, तो ये 40, तो 2 वर्ष बाद पूरा मेरा ब्याज आ गया 840। मिश्रधन चाहिए तो आप मूलधन में इस ब्याज को जोड़ दीजिए, और भी तरीके हैं, लेकिन मित्र मेरा मानना है कि अगर वर्ष की संख्या पूर्ण हो तो ये आपका सबसे बेहतरीन तरीका है। फिर से बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4000 रुपया है, अगर मुझे 10% इंटरेस्ट मिला तो मुझे मिला कितना, 400 रुपया। 2 वर्ष है तो पहले इसे 2 से गुणा करिए, तो 4 दुनाई मेरा ब्याज है 800। अभी मेरा बचा 1 वर्ष, अब इसका निकालिए 10%, तो ये 40 हो गया, और इसे मल्टीप्लाई 1 से, तो ये 40 × 1 = 40, टोटल इंटरेस्ट मिला 840। बाकी आप जानते ही हैं कि अगर ये सीआई आ गया, आपसे मिश्रधन पूछा है, तो आप मूलधन में इसको ऐड करिए, तो ये आ गया 4840। ठीक है, आइए हम आपको इस पे और एक दो क्वेश्चन करवाते हैं, जिससे आपका ये कार्य तेजी से होने लगे। ये सबसे बेहतरीन तरीकों में से हैं। जैसे अगला, 6000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक सीआई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। अब देखिए मित्रों, मैंने आपको जैसे बताया वैसे करना है। पहला वाला जो आपकी बुकें कहती हैं वो हम आपको नहीं बता रहे हैं, आइए हम लोग दूसरे मेथड से उठाते हैं। आपने लिया है 6000, तो पहले वर्ष इससे आपको ब्याज मिलेगा 20%। अब मित्रों इतना तो आपको आना चाहिए कि 6000 का 20% होता है 1200। देखिए 6 × 1200, तो पहले वर्ष आपको ब्याज मिला, ये समझना जरूरी है, याद रखिएगा, पहले वर्ष आपको ब्याज मिला 1200। अब क्या, इसे मिटा दे रहे हैं, जब आपका दूसरा वर्ष शुरू होगा, ऐसे बना लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कौन सा वर्ष, दूसरा वर्ष, तो ये वाला तो आपको ब्याज देगा ही, तो मित्रों ये कितना ब्याज देगा, 1200 रुपया। अब मुझे यहां से भी ब्याज मिलेगा 20%, तो दोस्तों 1200 का 20%, ये सब आपको मुजबानी आना चाहिए, तभी आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो 12 × 2 = 24, 240। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 2 वर्ष का ब्याज आपसे पूछा होता तो आप क्या करते, इनको जोड़ देते, लेकिन उसने कहा मैं 2 वर्ष में संतुष्ट नहीं हूं, मुझे कई वर्ष का ब्याज चाहिए, 3। अब देखिए ये यहां से मुझे ब्याज देगा कितना, 1200 रुपया, उसी का 20%, तो 1200 रुपया। दोस्तों ये भी मुझे ब्याज देगा 20%, तो इसका 20%, 240 रुपया। ठीक दोस्तों, ध्यान से, अब ये भी मुझे ब्याज देगा 240 रुपया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा नीचे लिखते हैं, और अब क्या, ये भी मुझे ब्याज देगा 20%, तो 240 का 20% निकाल लो, 20/100 कट गया, 24 × 48 रुपया, मेरा ब्याज तैयार है। भाइयों थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन आपकी बेहतर है तो ये कभी गलत नहीं होता, टोटल जोड़ना है। आइए देखिए, 8 आया, इस पे आइए,
चार चार आठ, चार बारह, चार सोलह, एक आया, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, एक तेरह आया, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, एक तेरह, एक एक दो, एक तीन और एक कितना, चार। तो मुझे इससे चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ 4368 रुपया। अब दोस्तों हम कहते हैं ये भी बकवास है, इसका उपयोग मत करो। आप किसका उपयोग करें, छोटा वाला। हम यहाँ लिख रहे हैं ऊपर, एक वर्ष है तो एक, दो वर्ष है तो दो एक, तीन वर्ष है तो दो एक तीन, दो एक तीन और एक। ध्यान से समझिएगा मित्रों, 6000 और इसका 20% हो गया, ये लिखा है, क्या जरूरत निकालने की, 1200 और इसे पहले गुणा करना है तीन से, तो 1236600। प्लीज दोस्तों इसे बढ़िया से देखिए, अब फिर तीन से गुणा करना है तो अब इसका 20%, मेरे भाइयों अभी तो आप निकाले थे, ये देखिए 1200 का 20% 240, इसे भी गुणा करना है तीन से, तो 24 × 3 = 72, ठीक है। चलिए भाई, तीन हो गया, तीन हो गया, अब भी अटका है कितना, एक, फिर इसका 20% हम निकाल लेंगे, तो भाइयों इसका 20% 48 हो गया और इसे गुणा करना है एक से, तो ये 48। अब आप जोड़ लीजिए मेरे भाइयों, ये 8 आ गया, 4 2 6 आ गया, 7 6 13 आ गया, 3 1 4 आ गया। तो क्या इसमें आपका 20 सेकंड से ज़्यादा लगेगा क्या? कभी नहीं लगेगा, अगर आपकी कैलकुलेशन बेहतर है। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, वो भी क्लियर कर दें, जब ये अच्छा है तो ये वाला क्यों बता रहे हैं, यही वाला बता दें। दोस्तों अभी जब ये 2.5 साढ़े 3 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, तो इससे होगा जरूर लेकिन बहुत दिक्कत होगी इस वाले से, और इससे नॉर्मली हो जाएगा, मैं और करा रहा हूँ, आप देखते जाइए। केवल बेसिक ऐसा रूल जो आप कहीं नहीं पढ़े हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कभी भी ये सब गलत नहीं होगा। जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी से हल होते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज में 20 सेकंड से ज़्यादा वाले केवल एक क्वेश्चन होते हैं, वो होता है किस्त पर आधारित प्रश्न। देखिए मैं एक और कराता हूँ, जैसे 10,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से डैश लगाते हैं दोस्तों, पहला एक वर्ष का ब्याज, दूसरा दो वर्ष का ब्याज और तीसरा तीन वर्ष का ब्याज, ठीक है। फटाफट आप करिए, मैं पहले वाले रूल से आपको बताता हूं। 10,000 हो गया दोस्तों, इसका हमें निकालना है 10%, तो मुझे मिलेगा, अगर मैं 10% निकालूं तो 1,000 रुपया। तो पहला उत्तर आ गया, एक वर्ष के बाद मुझे ये मिलेगा और 1,000 ब्याज मिलेगा। अब देखिए दूसरे वर्ष में इससे तो मुझे ब्याज मिलने हैं, वो तो मेरा फिक्स है, कोई काट नहीं सकता, और यहां से भी 10% मिलेगा, तो अब मुझे यहां से 10% कितना, 2 जीरो कट जाएंगे, 100। अब मेरा 2 वर्ष का ब्याज आ गया, मैं यहां लिखता चल रहा हूं, एक वर्ष का ब्याज 1,000, 2 वर्ष का ब्याज 1,000 मतलब 2100 रुपया, 3 वर्ष ये भाई साहब हमको ब्याज देंगे कितना, 1,000। अब ये भी मुझे ब्याज देंगे कितना, इसका 10% 100, ये भाई साहब भी मुझे देंगे 100 और ये भाई साहब भी मुझे देंगे 10, 100 का 10% 10। तो दोस्तों 3 वर्ष के बाद मेरा ब्याज देखो कितना हो गया, 1,000, 2,000, 3,000, 3100, 3200, 3300,
मेरा ब्याज कंप्लीट हो गया 3300 का रुपया 10 रुपया। तो इसमें बहुत टाइम नहीं लगता, बस आपको एक चीज पता होना चाहिए कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए, लोग कहते हैं छमाही के लिए दूसरा रटो, तिमाही के लिए तीसरा रटो, चार महीना हो जाए तो अलग रटो, कुछ मत रटो यार, सब बकवास है, हम बताते हैं। अगला देखिए, जैसे 4000 रुपये का 20% वार्षिक CI चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दो सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा? आइए अब इसको आप खुद करेंगे, बस ध्यान से देखिए, छोड़ दीजिए सारा रूल, एक रूल पकड़िए, 4000 का 20% होता है 800, देख लीजिए, 4000 × 20/100, तो ये कट गया, 4 × 2 = 800, तो ये सब आपको आना चाहिए। तो पहले वर्ष मुझे ब्याज मिल रहा है 800 रुपया। अब ध्यान से दोस्तों, दूसरे वर्ष ये भाई साहब मुझे ब्याज देंगे, कितना रुपया देंगे? 800। ये भाई साहब भी मुझे ब्याज देंगे, कितना? 160 रुपया। ये सब मुंह जवानी आना चाहिए, 20% = 16, 160 रुपया। ये एक वर्ष का हो गया, ये आपका दोस्तों 2 वर्ष का हो गया। अब हम निकालेंगे 2.5 वर्ष। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ष है, 2 वर्ष है, ये आधा वर्ष है। बस एक चीज दिमाग में रखिए, कभी गलत नहीं होगा, वार्षिक दर दिया है 20%, तो छमाही क्या होगा दोस्तों? 10%। अगर एक वर्ष का दर है 20%, तो आपका 6 माह का दर 10%, अर्थात अब ये मुझे देगा 10%। 10% का मतलब 400। भाई 20% रहता था तो 800 मिलता था, 10% है तो 400। दूसरा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने मुझे ब्याज दे दिया, अब इनसे ब्याज लेना है, इनसे 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 800 का 10% 80 रुपया। चलिए भैया, ये भी मुझे ब्याज दे दिए, ये भी मुझे ब्याज दे दिए, ये फलाने बचे हैं, इनसे भी ब्याज ले लीजिए, 80 रुपया। दोस्तों अब देखिए, केवल क्रम ध्यान रखिए, कभी गलत नहीं होगा, इनसे ब्याज 400, अब किससे ब्याज लेना है? इनसे, तो ये हमको कै रुपया देंगे? 80। ये भी मुझे कै रुपया देंगे? 80। ये मुझे कै रुपया देंगे? तो 160 का 10% निकाल लो, आप जानते हो, फिर भी 160 का 10% 16, तो 2.5 वर्ष बाद ब्याज मेरा तैयार है, आपको बस जोड़ना है, जोड़िए, ये आ गया 6। यहां देखिएगा, 8, 8, 16, 1, 17, 17, 6, 23, 2 हासिल। यहां आ जाइए, 4, 1, 5, या सीधे 8, 8, 16, 4, 20, 1, 21, 2, 23, तो 2.5 वर्ष बाद मुझे ब्याज कितना मिलेगा? 2336 रुपया। मित्रों ये कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों, कभी नहीं, छमाही तिमाही 2 वर्ष 4 वर्ष कुछ नहीं होता है, सब यही होता है। आइए आपको और भी दिखाते हैं, इतना प्रैक्टिस करा देंगे मित्रों कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप विश्वास करिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, चंद्रा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, या ऑनलाइन डिटेल के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा, तो आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। वादा करते हैं कि आपका 90% क्वेश्चन
आपके नोट्स से आएगा, हमारी चंद्रा टीम के पूरे नोट्स से आएगा, लेकिन आप पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, आइए एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं जिससे आपका और क्लियर हो जाए। जैसे 6000 रुपए का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक सही या ऐसा भी पूछता है, एक वर्ष 4 माह ऐसा भी पूछ के आपको कंफ्यूज करता है, एक वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं नहीं बता रहा हूं, वो ये है मिश्र धन। तो आप जानते हैं जो ब्याज मिले उसे मूलधन में जोड़ दें तो हमारा मिश्र धन बन जाता है। आइए सबसे पहला काम इस समय को मेंटेन करते हैं। समय है 1 वर्ष 4 माह। तो दोस्तों 4 माह को वर्ष में बदलने के लिए भाग दिया जाता है, तो 4 तियाई 12, तो 3 1 3 या इसको ऐसे रहने दीजिए, 1 सही 1/3 वर्ष। ध्यान से दोस्तों, भैया चक्रवृद्धि ब्याज केवल हवा बनाते हैं लोग, कुछ भी नहीं है, आप बस ध्यान दीजिए। 6000 रुपया है और इसका 15% तो आप वैसे भी जानते होंगे, या मैं निकाल देता हूँ, 900 आएगा, 6000 दोस्तों 15/100 कट गया, 15 6 का 90, तो 900 आ गया। ये मेरा फर्स्ट ईयर पहले वर्ष का ब्याज मिल गया मुझे। साधारण ब्याज पढ़ रहे होते तो इस पे मुझे ब्याज ना मिलता। अब देखिए 1 सही 1/3 वर्ष चाहिए। दोस्तों मैंने जो समझाया ध्यान दीजिए, अगर 1 वर्ष का ब्याज दर है, ब्याज दर 15%, तो 1/3 वर्ष का ब्याज दर 15 × 1/3 = 5%, सही है। आइए ये भाई साहब अब मुझे ब्याज तो देंगे लेकिन किस रेट से, 5% की रेट से। तो 5% दोस्तों इसका हो जाएगा 6000 × 5/100, तो 5 6 30, ये भाई साहब ने दिया मुझे 300 रुपया, सही है गलत है। 6000 का 5% ठीक है, 300 हो गया, अभी मेरा ब्याज पूरा नहीं हुआ, अब किससे लेंगे। अब ये भाई साहब फिर ब्याज देंगे, कौन, इनसे मुझे मिल गया, ये भी तो मुझे देंगे कै परसेंट, 5% पर, तो 9000 का 5% 45 होता है, 9 5 45। देखो दोस्तों ब्याज तैयार है, 9 3 12 45, 1245। अगर मिश्र धन कहता तो आप 6000 में 1245 को जोड़ देते। तो मित्रों डेमो का मतलब ये नहीं होता कि क्या कैसे, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपने समय में ज़्यादा से ज़्यादा बचत करना होगा। आप अगर P (1+R/100)-P से करें टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको पहला डेमो वीडियो दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, आगे भी 2-2 पेज के क्वेश्चन 2-2 लाइन में आपको बताऊंगा, लेकिन इसका प्रैक्टिस करते रहिए, जल्दी आपको दूसरी वीडियो मिलेगी, हमारे अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियो मिलेंगे। बताना चाहूँगा मित्रों कि इसके सिलेबस का लगभग 50 से 60% सारे सब्जेक्ट के वीडियो बन चुके हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, संपूर्ण जानकारी लीजिए, एडमिशन लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद दोस्तों।